अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहूँगा कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी के लाइव अपडेट्स में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज के वेदर अपडेट्स पर अगर हम लोग नज़र डालें तो कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज काफ़ी अच्छे बादल बने और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, लेकिन वो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई, सरजानी, बहरिया, गड़ा, काठोर के इलाकों में और कुछ गुलशन हदीद और पोर्ट कासिम के इलाकों में बारिश हुई। तो बहरहाल आज काफ़ी गहरे बादल आए और लोग काफ़ी खुश भी हुए कि भाई आज काफ़ी अच्छी बारिश हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। लेकिन जो मामला थे वो ये कि घटा गुजर गई, बाईपास हो गई, काफ़ी लोग नाउम्मीद हुए। कुछ लोगों ने तनकीद भी करी कि भाई क्या है, आप लोग अपडेट दे रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है और काम छोड़ दें आप लोग वेदर अपडेट का। मैंने उनको ये मशवरा दिया कि देखें भाई ये पैशन है, ये ख़त्म नहीं होता, मेरा ये शौक है। और कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, एक तो जो हमारे पास विंड स्ट्रीम, जो विंड फ्लो था वो कराची के लिए सूटेबल नहीं था, इसलिए वो ड्रिफ्ट कर गए ठट्टा की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। और तो काफ़ी लोगों ने इस पे गुस्सा भी करा। बहरहाल मैंने इनको यही बताया कि भाई ये तो अल्लाह का निज़ाम है बारिश का, और कुछ मामला होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई। काफ़ी आज दिन गर्म था और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, ऐसे शदीद किस्म के बादल थे जो कि बारिश बरसा के ही गुजरते हैं। तो बड़ी खैर नाउम्मीदी की तो बात है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हमारे पास कल का दिन भी है और कुछ परसों भी इम्कान मौजूद हैं। सर्कुलेशन जो है वो कराची की तरफ मूव होने के इम्कान हैं। गुजरात और सिंध बॉर्डर पे सर्कुलेशन मौजूद है, साथ ही साथ WD का इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो आज जिन इलाकों में बारिश हुई है, उम्मीद है कि कल उन इलाकों में दोबारा भी बारिश होगी, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की हम लोगों को इंशाल्लाह कल उम्मीद है। और कल सुबह ही सुबह जो है वो डेवलपमेंट का आगाज़ जो है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हीटिंग जब होती है तो क्लाउड बिल्डअप ज़्यादा होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, ये देखा गया है। और कल इंशाल्लाह जो है वो अच्छी उम्मीद आप लोग रखें कराची के लिए, ठट्टा के लिए, उससे जुड़े इलाकों के लिए। जी बिल्कुल बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट देने का। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कल क्लाउड बिल्कुल सस्टेन करेंगे, और देखते हैं कि अगर कन्वर्जन जोन कल सिटी पर बन गया तो बहुत अच्छे ओवरहेड डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डेवलपमेंट्स बनेंगी। तो बाकी हम लोग अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को कराची के लिए और उससे मुलका इलाकों के लिए। सर्कुलेशन जो है वो कल भी रहेगी और परसों भी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है बनती रहेंगी। फिर साथ में WD का भी इंटरेक्शन होगा, तो हैदराबाद के इलाकों में और मीरपुर खास के इलाकों में, ठट्टा के इलाकों में, कराची के इलाकों में इंशाल्लाह कल बारिश की उम्मीद है। और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के अम्कान कल भी रोशन है। काफ़ी लोगों ने गडाप, काठोर और उससे मुलका इलाकों के बारे में पूछा, तो कल वहाँ इंशाल्लाह रेन होगी। सेंट्रल कराची के अंदर भी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, और सरजानी वगैरह के इलाके आउटस्कर्ट में आते हैं वहाँ भी इंशाल्लाह बारिश की अच्छी उम्मीद है। काफ़ी लोग लाइव देख रहे हैं, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आगे चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं। आगे वीडियो शेयर भी करते रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 36 से 38 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन हाई हीट इंडेक्स होगा क्योंकि नमी का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए महसूस किया जाने वाला टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा कल। तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर से जो है इज्तनाब करें, फ्लूइड्स लेते रहें, बड़े बूढ़ों का भी ख्याल रखें। परिंदे जो आपके आते हैं बेचारे, वो भी इधर उधर से मारे फिरे आते हैं, उनके लिए भी दाना पानी का एहतमाम करके रखें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को नेकी भी मिलेगी और एक अच्छा भी काम हो जाएगा। तो ये कि बहरहाल अभी आप लोगों को ग्राउंड कंडीशन भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अभी इन इन्वायरमेंटल इनस्टेबिलिटी देख सकते हैं कि बादल बन रहे हैं और टूट रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त तो खैर मतलब साफ है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि घुटन का जो है वो माहौल बना हुआ है। कुछ जो है वो ब्रोकन क्लाउड्स दिख रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हब से हवा रुकी हुई है, जो कि एक अच्छी निशानी है कल डेवलपमेंट करने के लिहाज से। इंशाल्लाह कल अच्छी उम्मीद है। वालेकुम अस्सलाम इबाद भाई, कैसे हैं हमाद भाई, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं?
बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका, और जो भी जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन करा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बाकी कुछ लोग आज नाराज़ भी थे वेदर अपडेट पे, तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश करी, देखें वेदर अपडेट और फोरकास्ट का चैनल है, यहाँ पर हम लोग जो है वो रेन अपडेट देते हैं, बाकी बारिश होना ना होना अल्लाह की मर्जी है। आप लोग जो है वो इल्म में आप लोग इंटरेस्ट के लिए ये मैं अपडेट देता हूँ, तो बहरहाल जो है वो आप लोग सपोर्ट करें। और आसमान को देखते हुए अभी बिल्कुल क्लियर आसमान है, कल इंशाल्लाह प्रॉपर अर्ली डेवलपमेंट की उम्मीद लग रही है, 10 से 11 बजे के बीच में अच्छे क्लाउड बनने शुरू होंगे, तो आप लोग जो है वो नज़र रखिएगा नॉर्थ ईस्ट पे, ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ से अच्छी डेवलपमेंट उठने के इम्कान होंगे, लिफ्टिंग फैक्टर इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये कुछ ग्राउंड कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई, तो कल के मामला मैंने आपको बताया गर्मी ज़्यादा होगी जो कि एज़ यूजल होती है बारिश से पहले, और साथ ही साथ जो है वो नमी तो बहुत ज़्यादा होती है, अनबेरेबल होती है, हीट इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है। तो बहरहाल कल नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें, वहाँ से डेवलपमेंट उठेगी, और फोटोग्राफिक जिनको शौक है फोटोग्राफ बनाने का, घटा के पिक्चर्स लेने का, तो वो पिक्चर्स बना सकते हैं कल इंशाल्लाह। और बारिश की उम्मीद है इंशाल्लाह कल अच्छी, आज भी काफ़ी शदीद बारिश हुई थी बहरिया के इलाकों में, जहाँ विजिबिलिटी 0% पे चले गई थी, काठोर के इलाकों में, गडाब के इलाकों से मेरे पास अच्छी बारिश की अपडेट आई है और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी आई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अपने पेज के ऊपर, और तो उसके ऊपर भी आप लोग जो है नज़रसानी कीजिएगा। जी भाई हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह के जो मामला होते हैं वही बेहतर समझ सकते हैं, आज हमारे लिए कोई मसलियत होगी जो बारिश हुई, देखें इसी तरीके से हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, अदरवाइज तो बारिश ना होने के से काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, और ख़ास तौर पे मैं भी, क्योंकि अपडेट मैं देता रहता हूँ और तमाम वेदर लवर्स इस पेज के ऊपर आते हैं वो भी डिसअपॉइंट हुए होंगे। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से दुआ करें बारिश की, बारिश के लिए नमाज़ें करवाएं, और बिल्कुल आना साहब सही कह रहे हैं, कराची के अंदर एक तो सब्जा वैसी कम है, कंक्रीट का शहर ये बना हुआ है, बात भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है, पोल्यूशन जो होती है वो बारिश को आने से रोकती है, आमतौर पे ही देखा गया पोल्यूशन कराची का बढ़ता जा रहा है, बस ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ग्रीनरी को प्रमोट करें, और ये कि हमारे पास पहाड़ वगैरह जो भी सारे उजाड़ पड़े हैं उनके ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ सब्जा वगैरह लग जाए, कुछ बेहतर हो जाए मामला, पॉल्यूशन जितना हम लोग कम से कम कर सकें वो ज़्यादा बेहतर हो, ग्रीन ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करें, सोलर एनर्जी को प्रोमोट करें, ये तो कुछ बात हो गई पॉल्यूशन दूर दूर करने की। और बहरहाल ये कि इस महीने में इंशाल्लाह सिस्टम आने की उम्मीद है 15 तारीख के बाद एक, तो उस पर भी नज़र रखे हुए हम लोग, और कल की तो अपडेट मैंने आपको दे दी है कि कल जो है वो गर्म दिन का आगाज़ होगा, क्यूमुलस क्लाउड बनेंगे सुबह में, प्रॉपर घटा उठने के इम्कान 11-12 बजे के बाद ही होते हैं आमतौर पर कराची में, जो कराची के डायनेमिक्स हैं अगर आपने उनको फॉलो करा हुआ है तो कराची में आमतौर पर यही होता है कि अब क्लियर वेदर होता है, सुबह बादल बनते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के करीब घटा उठती है, बाज़ दफ़ा ये भी हो जब प्रॉपर सिस्टम होते हैं तो फिर सुबह ही सुबह भी बारिश होती है, लेकिन ये क्योंकि सर्कुलेशन है और इसके अंदर जो है वो कन्वर्जन जोन वगैरह इनकी अहमियत भी होती है, जब बनते हैं तो उसके बाद ओवरहेड डेवलपमेंट वगैरह होती है इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि कल अच्छा आगाज हो जाएगा, और आज जो नाउम्मीद हैं लोग कल वो बेहतर उम्मीद के साथ जो है बारिश देख सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हमाद भाई की बात बिल्कुल सही है, हमाद भाई ने हर जगह सपोर्ट किया और भी यूज़र ने सपोर्ट किया, तो देखें आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए होती है, बाज़ लोग जो है वो हार्श हो जाते हैं, हार्श नहीं होना चाहिए, किसी की भी एफर्ट्स को जो है वो सपोर्ट करते रहना चाहिए, जैसे कि आप लोग और पेजेस को सपोर्ट करते हैं, जो आप लोग की सपोर्ट से पेजेस बने हैं तो हमारे भी कुछ ना कुछ जो है वो आपके ऊपर हक बनता है कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें, कि ये एक पेज ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को मिर्च मसाले वाली कोई ऐसी खबर उल्टी सीधी नहीं मिलेगी, जो प्रॉपर अपडेट मैं देता हूँ बारिश की आप लोगों को वही मिलती है, जब भी वेदर पैटर्न चेंज होता है मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, चाहे ऑन ड्यूटी हूँ या कहीं भी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से लाइव हूँ आप लोगों को हालात हाजरा से आगाह करता रहूँ, आप लोग देख सकते हैं 2016 से या 2016 या 17 में पेज बना था, और इस पर अनगिनत आपको वीडियोस मिलेंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगी, तो
जहाँ पे सारा सिर्फ वेदर रिलेटेड ही बातें मैंने की है। कभी कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, ना किसी पेज को मैंने आज तक तनकीद का निशाना बनाया, सबको साथ लेके चलता हूँ। तो बहरहाल आप लोग भी साथ लेके चलें, वेदर कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। और मेरे बहुत सारे दोस्त इस टाइम देख रहे होंगे वीडियो, तो उनका भी मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगा। हमाद भाई जजाकल्ला, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सबके लिए मेरे लिए खास दुआएं सबके लिए। और कराची की बात हमने की और मानसून के हवाले से हम बात करेंगे। अरेबियन सी और बीओबी से अभी तक खास काबिले जिक्र सिस्टम नहीं बने, वो 15 जुलाई के बाद आमतौर पे देखा गया है कि मानसून सर जाता है और एक्सेस जो है वो मानसून का नॉर्थ और साउथ पे चलता है। तो अभी जो फिलहाल फिल वक्त जो हमारे पास सर्कुलेशन बनी हुई है, तो किसी हद तक एक्सेस हमारे पास साउथ पे मौजूद है। देखते हैं कल अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की इंटरेक्शन भी हुई और साथ में ये सर्कुलेशन आगे बढ़ती रही, तो उम्मीद है कि कल काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें दिखेंगी शहर के करीब बनते हुए इंशाल्लाह। और कल जो है वो बारिश के लिए काफ़ी अच्छी उम्मीदें आज भी थी, तो बस यही है, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमाद भाई थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह। मैं कोशिश करूंगा ऑफिस जाने से पहले ग्राउंड कंडीशन पे हम नज़र डालें, और यहाँ पर और यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा हुआ है वो मैं मुझसे लिंक ले लें, वो लोग अभी मैं पेज पे आके अपने लिंक आप लोगों को ड्रॉप करता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें आप लोग। और यूट्यूब के चैनल पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं 2016 से अभी तक की, वेदर लवर हैं अगर आप लोग, तो वीडियोस को आप लोग प्ले करके देखें, काफ़ी आप लोगों को उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी मिलेगी और आप लोगों को ग्रोथ का मौका भी मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से कल। कोशिश करूँगा, अर्ली मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।